देख रहे हैं वंदे भारत नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार। प्रयागराज स्पेशल टास्क फोर्स और प्रयागराज जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में हाथ लगा चढ़ा नकली नोटों का सौदागर। लगा तो शहर में नकली नोटों के आवागमन एवं लॉकडाउन के मध्य इन नोटों के द्वारा खरीदारी की खबर के बाद स्पेशल टास्क फोर्स और प्रयागराज जिला पुलिस के अधिकारियों के द्वारा एक व्यापक सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसके चलते ही आज सुबह एक बड़ी कामयाबी मिली और कीड़गंज थाना क्षेत्र के परेड ग्राउंड क्षेत्र से 10 लाख के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति रुपेश कुमार गिरफ्तार हुआ है। यह व्यक्ति बंगाल बांग्लादेश आसाम बॉर्डर पर स्थित फरक्का से ये नकली नोटों को लेकर आता एवं शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का काम करता था। मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला पुलिस एवं एसटीएफ के अधिकारियों ने इस व्यक्ति को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया। इस विषय में जानकारी देते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वेश त्रिपाठी ने बताया, लोकल एसटीएफ ने गिरफ्तार करके लिया हुआ है। उसके पास 1 लाख की फेक करेंसी बताई जा रही है। इस मामले में आगे हम लोग जानकारी करते हुए और उसके बाद से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें राम स्वरूप गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का भी नाम आ रहा है जो जिसको इसे ये नोट देने थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? पूरी चेन को हम लोग देखेंगे क्योंकि प्राथमिक तौर पर है। अभी आपने तुरंत मुझसे पूछ लिया है, मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा। जानकारी इकट्ठा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस विषय में और जांच की जा रही है और जल्दी ही इस विषय में और बड़ी कामयाबी हासिल की जाएगी। इस व्यक्ति के और साथी कहां कहां हैं तथा ये किन किन को ये पैसा दिया करता था पता लगाया जा रहा है और जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहां से लाए, कहां से? फरक्का से। और यहां किसको देना था? यहां सर रामू मेरा नाम रुपेश है। मैं रामू साहू जो कौड़ियार अटरामपुर का रहने वाला है, उसके कहने पर बंगाल जाली नोट लाने गया। मुझे दीपक मंडल ने 1 लाख जाली मुद्रा कलिया चक मालदा में दिया है।